हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सीलिंग फैन का स्पीड बढ़ाने के लिए आप कितना MFD का कैपेसिटर अपने सीलिंग फैन में लगा सकते हैं। दोस्तों, एक बात का और भी आप ध्यान दिए होंगे कि जब भी कभी आप अपने सीलिंग फैन का कैपेसिटर चेंज किए होंगे, तो उसमें जो सबसे पहले जो कैपेसिटर लगा होता है, कंपनी के साथ जो लगाया हुआ होता है, जो उसके साथ में दिया होता है, दोस्तों उस कैपेसिटर का कितना MFD का कैपेसिटर उसमें लगा होता है, तो उसमें ध्यान दिए होंगे कि 2.25 MFD का कैपेसिटर होता है या फिर 2.50 MFD का कैपेसिटर लगा होता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, कंपनी इतना कम पावर का कैपेसिटर क्यों लगाती है, इससे ज़्यादा पावर का कैपेसिटर क्यों नहीं लगा के देती है ज़्यादा स्पीड के लिए। तो दोस्तों, बने रहे कंप्लीट वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले बटन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सीलिंग फैन के अंदर सबसे ज़्यादा देखिए समस्या होती है कि इसका स्पीड कुछ ही दिनों के बाद कम हो जाता है। दोस्तों, यह प्रॉब्लम सीलिंग फैन में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और सभी लोगों का दिमाग में एक ही रहता है कि जब सीलिंग फैन का स्पीड कम हो जाता है तो वह मार्केट से जा करके ज़्यादा पावर का कैपेसिटर खरीद के ले आते हैं और अपने सीलिंग फैन में लगा देते हैं, जो कि कुछ ही दिन को चलने के बाद उसका सीलिंग फैन फिर से खराब हो जाता है या फिर उसका कॉइल जल जाता है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर जाता है। तो दोस्तों, उसमें आपको ज़्यादा नुकसान पड़ जाता है। तो दोस्तों, अगर सीलिंग फैन का स्पीड आपको अभी कम हो गया तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ें होते हैं जो कि इसको सबसे पहले आप चेक कर लें, उसके बाद ही अपने कैपेसिटर को चेंज करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको घर का वोल्टेज को चेक करना है। अगर आपका घर का वोल्टेज सही है दोस्तों, तभी आप कुछ आगे का कदम उठाना। दोस्तों, वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपके घर में डिजिटल मीटर होगा तो इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है, बिजली मीटर, उसमें जा करके वोल्टेज देखेंगे तो उसमें आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों आपको देखना यह है कि आपका सीलिंग फैन कहीं से जाम तो नहीं है, बिल्कुल जाम नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं इस तरह से फ्री होना चाहिए। दोस्तों, घुमाने के बाद बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। अगर सीलिंग फैन जाम कहीं से होता है तो दोस्तों ये आपको पहले जाम को ठीक करवाना होता है, उसमें कैपेसिटर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और दोस्तों, जब आप सीलिंग फैन आपका फ्री है बिल्कुल, तब दोस्तों आपको फिर बारी आता है दो चीज़, जब आपका बिल्कुल ठीक है, वोल्टेज ठीक है और ये आपका सीलिंग फैन भी ठीक है, जाम कहीं से भी नहीं है, तब दोस्तों आप तीसरा नंबर में आता है कि आप अपने कैपेसिटर को चेक करें। दोस्तों, कैपेसिटर को क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि सीलिंग फैन में आपका कितना MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है। दोस्तों, देख सकते हैं इसमें 2.25 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है और ज़्यादातर की सभी कंपनियाँ सीलिंग फैन के सभी कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो, सभी में आपको यही कैपेसिटर देखने को मिलेगा 2.25 का या फिर 2.50 MFD का, इससे ज़्यादा कैपेसिटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, यह इसलिए होता है क्योंकि इसमें 220 वोल्ट पर ही सीलिंग फैन वर्क करता है और इसके लिए बेस्ट MFD यही होता है कि इतना ही MFD का कैपेसिटर इसमें लगाना चाहिए ताकि लॉन्ग टाइम तक आपका सीलिंग फैन भी चले और आपको हवा भी बिल्कुल सही प्रॉपर मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए अगर आपके सीलिंग फैन में ये 2.25 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है तो दोस्तों इसके जगह पे आप 2.50 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर 2.50 MFD का कैपेसिटर आपका सीलिंग फैन में लगा हुआ है तो दोस्तों आप सेम वही MFD का कैपेसिटर अपने सीलिंग फैन में लगाएं, उससे ज़्यादा का कैपेसिटर बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, बहुत सारे लोग करते हैं कि ज़्यादा MFD का कैपेसिटर लगाते हैं, 3.15 का कैपेसिटर लगा देते हैं या फिर 4 MFD का कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे आपको कुछ ही दिनों में सीलिंग फैन चलते बाद आपका सीलिंग फैन में नुकसान हो जाता है या फिर आपको कॉइल जल जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, लेकिन सीलिंग फैन आपका नहीं चलेगा। दोस्तों, सीलिंग फैन आपका खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बातों का आप हमेशा ध्यान रखें कि अपने सीलिंग फैन में सब कैपेसिटर चेंज करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान में रखें। तो दोस्तों, अगर आप 3.15 MFD का कैपेसिटर लगा रहे हैं तो उसको किस कंडीशन में लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर का वोल्टेज 180 है, 160 या 170, 180 इस प्रकार से है अगर घर के वोल्टेज, तो उस जगह पे आप 3.15 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा कम है, 150 वोल्टेज मिल रहा है आपको, 160 वोल्टेज मिल रहा है, उस जगह पे आप 4 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, इस बातों का आपको हमेशा ध्यान में रखना कि जहाँ आपका 200 से अगर प्लस वोल्टेज है तो वहाँ पर आपको 2.50 MFD तक का ही कैपेसिटर लगाना है। अगर उससे ज़्यादा का लगाते हैं तो आपका सीलिंग फैन नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर आपका 160 150 से प्लस है, 200 के बीच में है, तो उस जगह पे आप 3.15 का कैपेसिटर लगा सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों हम रिकमेंड करेंगे कि आप 2.50 का ही MFD का ही कैपेसिटर लगाएं, इससे ज़्यादा का ना लगाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी और नई जानकारी सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।